नमस्कार। सबसे पहले आप सभी लोगों को नवरात्रि और दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम धोलेरा की सीरीज में एक नया वीडियो ऐड करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और मुझे लगता है कि यह वीडियो हर किसी को देखना चाहिए जो धोलेरा के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा है या फिर इंडिया में कहीं भी जमीन लेने की सोच रहा है और वो सोच रहा है कि क्या उस जमीन पर उसको लोन मिलेगा, चाहे वो धोलेरा की जमीन हो, कहीं की भी जमीन हो, आपको अगर उस पर लोन चाहिए तो उसके क्या क्या कंडीशंस होते हैं, क्या आपको उस पर लोन मिलेगा और अगर नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा, ये सारी बात हम जानेंगे इस वीडियो के द्वारा। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। सबसे पहली बात, जो आपको बैंक्स होते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हों चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हों, वो लोन देने से पहले देखते हैं कि जो ज़मीन है वो किस एरिया में आती है, मतलब कि वो रूरल में आती है या फिर अर्बन में आती है। अगर आपकी ज़मीन रूरल में आती है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है लोन लेने में, जी हाँ, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर बैंक्स लोन नहीं देते और अगर वो अर्बन एरियाज में लोन देते भी हैं, अर्बन एरियाज मतलब कि नगर निगम वाले एरिया, अगर आपको वहाँ लोन मिलता भी है तो उसमें भी बहुत सारे वो कंडीशंस को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या है वो कंडीशंस, अगर आपको धोलेरा के अंदर या फिर कहीं भी अर्बन एरिया में लोन मिलता है तो उसके कंडीशंस क्या रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि बैंक्स जो होते हैं वो होम लोन की कंपैरिजन में लैंड लोन पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट को इम्प्लीमेंट करते हैं। जी हाँ, अगर आपको होम लोन पर 8-10% तक इंटरेस्ट रेट लग रहा है तो वहीं आपको ओपन लैंड पर करीब से करीब 15-20% तक इंटरेस्ट रेट के साथ लोन अप्रूव होगा। अब बड़ी बात कि क्या आपको धोलेरा के अंदर लोन मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि धोलेरा जो है वो रूरल एरिया में आता है, मतलब कि विलेज के फॉर्म में अभी वो आता है, इसलिए आपको वहां बैंक्स लोन अप्रूव नहीं करते। और तीसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अगर कोई बैंक आपको लोन दे भी देता है अर्बन एरिया में, या बाई चांस आपको कोई बैंक धोलेरा में भी लोन दे देता है, तो उनके सबसे बड़ा कंडीशन क्या रहता है कि आपको 1-2 साल के अंदर वहां पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। जी हाँ, चाहे आप कमर्शियल के लिए ले रहे हो या फिर इंडस्ट्रियल के लिए ले रहे हो या फिर रेसिडेंशियल के लिए ले रहे हो, तो बैंक के कंडीशन रहते हैं कि आपको 1-2 साल में अपनी बिल्डिंग बनाकर खड़ी करनी पड़ेगी। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि धोलेरा के रूल्स हैं कि फेस वन जो है वो 2022-23 में कंप्लीट होगा, फेस टू जो है वो 2032 में कंप्लीट होगा और फेस थ्री 2042 में। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि इसलिए बैंक आपको धोलेरा के अंदर लोन नहीं दे रहे। अब सबसे बड़ी बात कि अगर आपको बैंक लोन्स नहीं दे रहे हैं और अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप सिंगल शॉट में पैसा देकर अपनी रजिस्ट्री करा पाएं, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस भी डीलर से आप धोलेरा के अंदर प्लॉट ले रहे हैं, और जितना मैंने रिसर्च किया, जितना मैंने एनालाइज किया है कि अगर आप धोलेरा के अंदर कोई भी प्लॉट लेते हैं तो एक डीलर आपको लगभग 2-2.5 साल तक का टाइम देता है अपनी उस पेमेंट को चुकता करने के लिए। उनका एक प्रोसीजर होता है कि पहले आपको प्लॉट को बुक करना है, फिर 25% जो है आपको 1 महीने से लेकर 3 महीने तक के बीच में जमा करना है, उसके बाद आप जो 75% जमीन है उसके लिए आप 2-2.5 साल तक का टाइम ले सकते हैं। तो इस प्रोसीजर के थ्रू आप लोन से बचकर डीलर से सीधा सीधा अपना जमीन अपना प्लॉट ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो डीलर आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है उस टाइम ड्यूरेशन की, मतलब 2-2.5 साल तक का जो टाइम दे रहा है उसमें कोई भी इंटरेस्ट वो ऐड नहीं करता। वहीं आपको बैंक के थ्रू अगर लोन मिलता है तो 15-20% तक इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। तो लास्ट में जो कंक्लूजन निकलता है कि क्या धोलेरा के अंदर आपको बैंक के थ्रू लोन मिलेगा, तो सीधा सीधा आंसर यही है कि नहीं। तो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी अगर आप धोलेरा में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको धोलेरा के रिगार्डिंग, तो नीचे मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे कभी भी कॉल कीजिए, मैं ऑन द कॉल ऑन द स्पॉट आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।